नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पेट में गैस का दर्द होना बहुत ही आम बात है, लेकिन कभी कभी गैस का दर्द चेस्ट में होने लगता है, जिससे कि आप डर जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक या कोई दूसरी दिल से जुड़ी समस्या तो नहीं होने वाली, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक होना बहुत कॉमन हो गया है, नॉर्मल हो गया है, क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल जो होता है जीने का तरीका सही नहीं है, रात को देर तक जागना, भारी भरकम भोजन करके सोना, आलस भरा जीवन जीना, एक्सरसाइज ना करना, तो ऐसे में चिंता करनी जायज सी बात है। तो चलिए जानते हैं कि पेट में जब गैस का दर्द होता है और चेस्ट में गैस का दर्द होता है, उसमें अंतर क्या होता है और कब आपको चिंता करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, चेस्ट में गैस का दर्द जब होता है, तब आपको चेस्ट के अंदर प्रेशर और टाइटनेस महसूस हो सकती है। इसका कारण ये होता है कि गैस जो जमा हो जाती है आपके पेट के अंदर, आपके आंतों के अंदर, वो आपके डायफ्राम को के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसके कारण आपको जो यह जो गैस का दर्द है वो आपके दिल के पास लेफ्ट साइड या राइट साइड या बीच के अंदर होता हुआ महसूस हो सकता है। गैस के कारण जो चेस्ट में दर्द है वो रुक रुक के होता है और यह दर्द आपको बहुत तेज सुई जैसा, कांटे जैसा या चाकू जैसा चुभने जैसा महसूस हो सकता है। गैस के कारण चेस्ट में अगर दर्द होगा तो आपको पेट फूलना या पेट में भारीपन की समस्या भी साथ साथ होती रहेगी। यदि आपके चेस्ट में दर्द है और आपको बदहजमी के लक्षण महसूस हो रहे हैं, जी मिचलाना, उल्टी आना, ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो यह जो दर्द है जो आपके चेस्ट में जो गैस के कारण हो रहा है, तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सही खान पान के द्वारा अपनी इनडाइजेशन की समस्या को सुधारें। चेस्ट में गैस का दर्द है तो आपको दूसरे लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि बार बार डकार आना, बार बार गैस पास करना, और आप यह चिंता मुक्त अपने आप को रख सकते हैं कि डकार मारने के बाद या गैस पास करने के बाद आपको दर्द में राहत मिलती है। तो ये आप समझ लें कि यह जो आपके चेस्ट में दर्द है, सीने में जो दर्द हो रहा है, वो गैस के कारण है। इसके अलावा आपको गैस के कारण चेस्ट में दर्द होने पर दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि एसिडिटी की समस्या हो जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। तो ये लक्षण होते हैं कि आपको ये पता लग सके कि आपके जो चेस्ट में दर्द है, सीने का दर्द, वो गैस के कारण है। हार्ट अटैक और चेस्ट में जो गैस का दर्द होता है, उसके दर्द में अंतर क्या होता है? तो गैस का दर्द जो है, कुछ खाने के बाद या आप सोडा या कोई कोका कोला आदि ऐसे ड्रिंक पीते हैं गैस वाले, तो यह जो दर्द है बढ़ जाता है। लेकिन यदि हार्ट के कारण, आपके दिल के कारण जो दर्द हो रहा है, वो खाने पीने से कम या ज्यादा नहीं होता। दूसरा अंतर ये होता है कि जब आप डकार मारते हैं, गैस पास करते हैं, तो आपको चेस्ट में दर्द से राहत मिलती है, लेकिन जो हार्ट अटैक का दर्द है वो लगातार होता रहता है। और यदि ऐसा दर्द हो और उसके साथ साथ आपको सांस लेने में परेशानी या सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही हो और पसीना आ रहा हो, जी मिचलाना, और जो ये जो दर्द है वो दिल से लेकर के, चेस्ट से लेकर के आपके जबड़ों या गर्दन या लेफ्ट साइड की बाजू के अंदर ज्यादातर जाता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ लें यह जो दर्द है वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, और ऐसी स्थिति में आपको तुरंत मेडिकल सहायता के लिए जाना चाहिए या एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए। तो ये थे वो लक्षण कि चेस्ट में गैस का दर्द होने के लक्षण क्या होते हैं, और हार्ट अटैक यदि आ रहा हो तब लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।